आरती करते समय दीपक बुझ जाए तो क्या होता है? दीपक का बुझना शुभ है या अशुभ? दोस्तों, अपने घर में आप सभी पूजा तो जरूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलने का नियम तो जरूर ही आप सबको पता होगा। हिंदू धर्म में कई प्रकार की मान्यताएं और रीति रिवाज समाहित हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है पूजा में दीपक का बुझना। ऐसा कहा जाता है कि दीपक को जलाकर आप अपने जीवन में अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आपके जीवन में अच्छाई की रोशनी आ जाती है। हालांकि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी पूजा के समय दीपक अचानक बुझ भी जाता है। सनातन धर्म में ऐसी कोई भी पूजा पाठ नहीं है जिसमें दीपक न जलाया जाता हो। ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर आरती में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। दीपक जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है और व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी और ज्ञान का आगमन होता है। लेकिन एक सवाल आप सभी के मन में जरूर आता होगा कि यदि आरती करते समय दीपक बुझ जाए तो क्या होता है? नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस प्रोग्राम को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूजा या मांगलिक कार्यक्रम के बीच यदि दीपक बुझ जाए तो लोग घबरा जाते हैं। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार नहीं किया है। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो ऐसे में पूजा करने वाले की मनोकामनाओं की पूर्ति होने में बाधाएं आती हैं। पूजा में दीपक का बुझना देवी देवता के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। आपके कार्यों में बाधा आ सकती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस भगवान के आगे माफी मांगना है और दोबारा दीपक प्रज्वलित कर देना। ऐसा करने से आपके काम में बाधा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार दीपक का बुझना संकेत है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक बुझने के कई और भी वजह हो सकती है। विद्वानों का मानना है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से इसके लिए माफी मांग सकते हैं और फिर से दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा पाठ में आरती के दौरान दीपक को लेकर कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति पूजा करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि आरती के समय दीपक को नहीं बुझने देना है। इसलिए दीपक बनाते समय ही इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीप में तेल या घी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। दीपक में इस्तेमाल होने वाली रुई की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे बनी बत्ती सही प्रकार से बनी होनी चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर आरती की जा रही है वहां पर हवा बहुत तेज ना चल रहा हो। यदि आसपास कोई पंखा कूलर चल रहा है तो उसे बंद कर देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि दीपक से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली प्रोग्राम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।